उधर स्पॉट फिक्सिंग का दाऊद कनेक्शन भी सामने आया है। ये खुलासा हुआ है मुंबई के जुपिटर और टिंकू दिल्लीवाला नाम के सट्टेबाज की गिरफ्तारी के बाद। बताया जा रहा है कि ये दोनों बुकी दाऊद के लिए काम करते थे। अब तक इस मामले में कुल 11 सट्टेबाजों को पकड़ा जा चुका है। सटोरियों के तार दुबई, कराची, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली से जुड़े मिले हैं। स्पॉट फिक्सिंग का मास्टरमाइंड जीजू जनार्दन है। जीजू जनार्दन फिक्सिंग में डी कंपनी के लिए कटिंग का काम करता है। कटिंग क्या होता है आपको आगे दिखाएंगे। सूत्रों से खबर है कि जीजू जनार्दन श्री संत का चचेरा भाई है। स्पॉट फिक्सिंग का दूसरा सटोरिया चंद्रेश उर्फ जुपिटर भी दाऊद के लिए ही काम करता है। दिल्ली पुलिस के पास दुबई में दाऊद के गुर्गे मनोज मेट्रो और जुपिटर के बीच बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग है। दिल्ली पुलिस ने 70 फोन कॉल सर्विलांस पर रखे थे। 70 में से 30 फोन कॉल्स पाकिस्तान से आए थे। सटोरियों के बीच ब्लैकबेरी मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजे जाते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुपिटर के फोन को 2 महीने से सर्विलांस पर लगाए हुए थी। तीसरे सटोरिये टिंकू दिल्ली वाला के तार जुपिटर से जुड़े हैं। सूत्रों से पक्की खबर है कि टिंकू दिल्ली वाला भी दाऊद के लिए ही काम करता था। दिल्ली पुलिस के पास पक्की खबर है कि 6 और 7 मई को गुड़गांव के एक मॉल में अजीत चंदीला सट्टेबाजों से मिला था। 40 मिनट की बात हुई। ये भी खबर है कि अजीत चंदीला श्री संत के कहने पर गुड़गांव के मॉल में सटोरिये से मिलने गया था।